मिस्टर फैजू रुकिए, फैजू सर रुकिए, क्या बात है, फुल टू फुल ब्लैक ब्लैक डे पूरी तैयारी है यार, हंगामा होने वाला है। खतरों भी चल रहा है, दोनों चलेगा, खतरों एंड दोनों, और उसके बाद बिग बॉस फिर लॉकअप जाने वाले थे। सर डांस कौन सा करने वाले हैं, इनको बताओ, डांस बता सकते हैं ना, रिपीट कर सकते हैं नहीं, नहीं। सब अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए, बेस्ट ऑफ लक आपको, क्लासिकल डांस। जज के लिए क्या कहना चाहेंगे, माधुरी जी है मेरा सब्जेक्ट, अच्छे पॉइंट्स मिले मुझे आज, और जजेस हमारे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं जो परफॉर्म होता है, जो भी परफॉर्मेंस होता है, तो लेट्स सी आज क्या होता है। पूरी तैयारी की, हफ्ते भर में बहुत मेहनत हुई है, तो आज उसका रिजल्ट आने वाला है, तो लेट्स सी कैसा होता है, होप फॉर द बेस्ट। आप लोग दुआ करना कि अच्छा से, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू, आप भी बेस्ट ऑफ लक, मेरा गोल, आप भी चलो बाहर 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 मैं क्या जानबूझ के किस नहीं करता, किस हो जाता है, और मौके नीचे आप इधर ही रहिए सर, आगे स्लाइड, हाँ बोलिए। तो अभी मुझे पता नहीं है कि मैं किसको किस करूँगा, मैं किस जानबूझ के, या प्लानिंग नहीं होती है, वहाँ गर्मा गर्मी में हो जाती है। धीरज को करने वाले क्या? धीरज तो मेरा लाडला है, मेरा लेट्स सी जैसे गरम गरम मतलब गरम गलत मतलब गरम मसाला है उस वक्त मौके की नज़ाकत पे क्या चीज़ क्या मौजू बनता है उसके ऊपर सब होता है। ओके, माधुरी मैम के लिए कोई अच्छा डांस परफॉर्मेंस देना है कि नहीं आपको? बेटा 1% भी नहीं डांस कर सकता मैं माधुरी जी जैसा, तो वो तो मतलब हाँ एक है कि उनके लिए आगे चल के जैसे थोड़ा सा मैं मुझ में थोड़ी ट्रेनिंग आ जाएगी और मैं जब तक रहा शो में, तो मैं डेफिनेटली एक सॉन्ग तो माधुरी जी के लिए करूँगा डेफिनेटली। अभी तो बहुत जल्दी है, मतलब शी इज़ गॉड, नौरा जी के लिए मेरी उम्र में मैं उनके जैसा कमर कहाँ हिलाऊंगा यार। नहीं नहीं कर सकते सर, करण सर आगे का करण सर के लिए कर सकता हूँ मैं, थैंक यू थैंक यू सर, मेरे पास अंदर कोई मत जाओ।